बहुत सारी बातें तीखी होती हैं। असल में हमने जो मूवमेंट में काम किया है, जैसे मैं काफी लंबे समय से मूवमेंट में रहा हूँ, आज भी मूवमेंट में हूँ, आगे भी मैं मूवमेंट में ही रहूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी की जाकर के मैं जी हजूरी करूँ, क्योंकि हमने जो सीखा है साहब काशीराम जी से सीखा है। क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम में था, हम तब से साहब के नजदीकियों में आए और मूवमेंट के जितने भी साथी थे उनसे हमने बहुत सारी बातें सीखी। बंते जी की काफी नजदीकियां रही साहब कांशीराम जी से, और हमारे रोहतक में भी जो साहब के कार्यक्रम रहे, महम में कार्यक्रम रहे, साहब के पास कार्यालय में भी गए, साहब बीमार थे तब भी मिले, अंतिम संस्कार भी हमने अपने हाथों से किया साहब का। ये 2006 की जो घटना है उसका मैं दमभूमि और हमारी टीम बंते जी हम सब उसके चश्मदीद गवाह हैं। कल का जो दिन था साहब जब हमारे बीच से अलविदा हुए, तो हम इसी सेंटर पे थे, आज भी मैं अभी धमभूमि पे ही हूँ, और यहीं पे हम सारे साथी थे जिनमें हमने शिविर ले रखा था, श्राम ले रखे। और सुबह सूचना मिली कि साहब काशीराम हमारे बीच में नहीं रहे, तब ये मोबाइल इतने हाई फाई नहीं होते थे, नॉर्मल थे, और एफएम पर ही सूचना मिली थी हमें, और एक साथी का फोन आया कि साहब काशीराम नहीं रहे। और साहब का जो अंतिम संस्कार है बोध रीति से निगम बोध घाट दिल्ली पर होगा, तो हम अपने टीम के साथ बनते करुणाशील राहुल जी के साथ हम सभी चीर में थे, हम वहां पहुंचे और साहब काशीराम जी का अंतिम संस्कार हमने अपने हाथों से किया, साहब को हमने विदा किया। दुख इस बात का था कि इस सदी का नायक नहीं रहा, लेकिन कुदरत की सच्चाई है, जो आया है वो जाएगा। मुख्य बात यह है कि हम उनकी जो विचारधारा है, जो उनके सिद्धांत है, हम उनको जिंदा रखें। अगर हम उनको जिंदा रखते हैं तो कोई भी महापुरुष हमारे बीच से गया नहीं। तथागत बुद्ध को आज इतने समय हो गया हमारे बीच से गए, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी जिंदा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इतने दिन हो गए हमारे बीच से गए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज भी हमारे बीच में विचारों में जिंदा है। बाबा साहब की स्टेटमेंट है कि एक फिलोसफर है, उनका कहना था कि विचार कभी मरते नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि विचार भी एक पौधे की तरह है। जिस प्रकार पौधे को पर्यावरण के हिसाब से जैसे खुराक की जरूरत होती है, उसको पानी की जरूरत होती है, उसको खाद की जरूरत होती है, उसको जिंदा रखने के लिए ऐसे वातावरण की जरूरत होती है, ठीक इसी प्रकार विचारों को भी खाद और पानी की जरूरत है। जब विचारों को आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो वो जिंदा रहेंगे, अगर आप उन विचारों को वहीं छोड़ दोगे तो धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएंगे। प्रभु साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है मूवमेंट में आप भली भांति परिचित है। एक लंबी हमारी लिस्ट रही है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें क्या क्या दिया। एक थोड़े से समय में होते, अगर हम सही अर्थों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एनालिसिस करते हैं, अगर हम बाबा साहब के मूवमेंट पर हम चर्चा करें, तो उसमें आप देखेंगे कि बाबा साहब ने जो जो हमें चीज दी थोड़े से समय में इतना सारा व्यवस्था दे देना, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए। हम तो अचंभित हैं इस बात से, थोड़ा सा समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिला पढ़ने का, और उसके बाद में बाबा साहब विदेश में भी जाकर के आए हैं, यहाँ भी लड़ते रहे हैं, और धीरे 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 करके अगर आप देखेंगे कि बाबा साहब समय समय पर अलग अलग राजनीतिक मूवमेंट अलग से किए खड़ी की है, एजुकेशनल मूवमेंट अलग खड़ी की है, सामाजिक मूवमेंट अलग खड़ी की है, धार्मिक मूवमेंट बुद्धिज्म के ऊपर अलग खड़ी की है, लगातार उनसे लड़ भी रहे हैं, विदेशों में जाकर के आपके हक हकूकों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इतनी सारी व्यवस्था थोड़े से समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कर पाए। बाबा साहब के पास समय बहुत कम बचा था, और इस बात का एहसास आप लोगों को 18 मार्च में बंते करुणाशील राहुल जी ने करवाया कि मैं इस तंबू का अकेला बंबू हूँ, और जिस दिन मैं गिर जाऊंगा तो इस तंबू को कौन संभाले। ये आप इस बात को भली भांति जानते हैं क्योंकि बाबा साहब के पास समय बहुत कम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को अपने समाज को रोहता बिलखता छोड़कर के अलविदा हो गए, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे एक लंबा जो समय है, बीच का जो गैप है, उस बीच के गैप में आप लोगों ने देखा होगा चमचों की बड़े पैमाने पर भरमार पैदा हो गई, और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट थी उसको मनवाद पूरी तरह से निगल चुका था। बीच का जो सेशन है, अगर आप मुख्य बात करें, हालांकि साहब कांशीराम जी का जो जन्म है वो
1934 का है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में हमारे बीच से विदा हुए हैं। और आप उसमें देखेंगे उसके बीच का जो टाइमिंग है 1964 तक का, साहब कांशीराम जी को ज्यादा जानकारी नहीं थी 1964 तक। साहब कांशीराम जी पढ़ रहे थे, एक मैं छोटा सा संदर्भ बोल करके साहब कांशीराम जी के मूवमेंट से मैं शुरुआत करूंगा। साहब कांशीराम का एक संदर्भ है, जब वो छोटे थे और खेत का काम संभालते थे, सतलुज का जो क्षेत्र है उसको दुआब का क्षेत्र बोलते हैं, मैं उच्च घर पे गया हूँ, साहब का जो परिवार रहता उनसे मुलाकात हुई, बंते जी भी वहां गए, हम पूरी टीम के लोग जाके आए। जब आमुन से मिले उन्होंने बताया कि ये जमीन थी हमारी और हम इसके ऊपर खेती का काम करते थे और वहां पर तरबूज की फसल ज्यादा होती थी, आम के छोटे छोटे टुकड़े थे, आम के बाग थे वहां, उन बाग को भी ले लेते थे। बताते हैं कि साहब काशीराम के पास जब समय होता था तो अपना पढ़ाई का काम करने के लिए वो आम के पेड़ पे एक मचान बनी होती थी, उस पर बैठ करके बाग को भी देखते थे और धीरे धीरे जो खेती का काम था उसको भी संभालते थे और वहीं अपनी पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में साहब काशीराम बहुत होशियार थे और होशियार के साथ साथ में धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो साहब का पढ़ाई की तरफ ज्यादा मन लगा हुआ और खेती से साहब ने काम बिल्कुल बंद कर। तो साहब के जो पिताजी थे जो वो काम ज्यादा करते थे, तो उनके पड़ोसी जो जमींदार थे वो ये बात बोलते थे कि भाई आप अपने बेटे को पढ़ा करके पटवारी बनाओगे, क्योंकि उस जमाने में पटवारी एक बहुत बड़ा पद होता था, आप इनको बड़ा इनको पढ़ा करके पटवारी बनाएंगे, क्यों ना आप इनको खेत में लगाते हैं। तो साहब के पिताजी भी बड़े स्वाभिमानी थे, वो कहते थे कि भाई मैं अपने बेटों को अधिकारी बनाऊंगा, क्यों नहीं बना सकता मैं पटवारी, जब दूसरों के बच्चे पढ़ के पटवारी बन सकते हैं तो मैं अपने बेटे को भी पढ़ा करके पटवारी बना सकता हूँ। तो एक दिन क्या बात हुई कि घर में इस बात को लेकर के नोक चोक हो गई, साहब को छुट्टी करने के लिए कहा। आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसी घटना घटी होगी, आपका कोई स्कूल का या कॉलेज का इम्पोर्टेंट काम रहा होगा, घर वालों ने कहा होगा छुट्टी कर ले और आपने मना किया होगा, तो साहब भी इसी तरह के जिद्दी किस्म के नौजवान रहे हैं साहब के जो परिवार के लोग बताते। तो साहब कहते हैं मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है खेत से, मेरी पढ़ाई खराब जा रही है, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। उसके बाद में जब आप देखें तो साहब के पिताजी ने एक वर्ड बोला कि यार वो जमींदार सही कहते हैं। साहब के पिताजी बड़ा गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा कि वो सही बोलते हैं कि तू इसको पढ़ा करके क्या पटवारी बनाएगा, क्यों ना खेत का काम करवा। तो साहब को बड़ा गुस्सा आया इस बात से, साहब ने कहा कि क्यों पटवारी उन्हीं के लड़के बन सकते हैं, जब उनको जाकर के कह देना मैं प्रधानमंत्री बनू। ये बात मैं आप लोगों को किस संदर्भ में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये घटना साहब कांशीराम जी ने लखनऊ के एक अधिवेशन में, पार्टी के अधिवेशन में ये बात बोली है कि मेरे पिताजी को बुखार था मुझे पटवारी बनाने का, और मेरे पिताजी ने उनको कह भी दिया था कि मैं मेरे बेटे को पटवारी नहीं, मैं इसको IAS ऑफिसर बनाऊंगा, क्योंकि पड़ोस के गाँव में एक चमारों का लड़का अधिकारी बना था, ऐसा साहब ने बोला वहां। और साहब ने कहा भी ना तो मैं पटवारी बना ना मैं IAS ऑफिसर बना, मैं अब प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, और ये मैंने किसी टाइम पर मेरे पिताजी को ये बात मैंने बोली। प्रबुद्ध साथियों वहां का संदर्भ साहब ने वहां लखनऊ में बोला, जो छोटा सा ये एपिसोड मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ। अब मेन बात कहाँ से आती है कि जो मूवमेंट खड़ी कैसे हुई है साहब कांशीराम जी की, मूवमेंट की शुरुआत होती कहाँ से, मोमेंट की शुरुआत तो वहां से होती है कि एक ऐसा समय बीच का जो गैप है, जो वॉक्यूम पैदा हो गया था मोमेंट में, उस वॉक्यूम को भरने के लिए साहब काशीराम जी ने किस तरीके से काम किया। और आज का जो हमारा विषय है, विषय भी ये है कि बहुजन मोमेंट में साहब काशीराम जी का बाबा साहब हमारी मूवमेंट है कंप्लीट मनवाद के हलक में चली गई और साहब कांशीराम उनके हलक में हाथ डाल करके इस मूवमेंट को निकाल करके लेके आए। ये बीच में फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे अगर, तो साहब कांशीराम जी ने यहां से शुरुआत की। और जब साहब ने नौकरी की तलाश में जब साहब स्टार्टिंग करने लगे, वो बहुत सारी बातें हैं बीच में, साहब किस किस तरीके से कहाँ कहाँ गए, उनकी मंगनी हुई, मंगनी साहब ने तोड़ दी थी, वो कैसे तोड़ी थी, वो भी एक छोटा सा पॉइंट बता करके जो साहब का योगदान रहा मोमेंट में, मैं उस पर चर्चा करूंगा। प्रबुद्ध साथियों साहब ने
एक नौकरी पहले यहाँ, जो दूसरी साहब ने नौकरी ज्वाइन की थी वो पूना के अंदर ज्वाइन की थी, जिस जगह का नाम है जिसको किरकी बोलते हैं, किरकी एक्सप्लोसिव रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जिसमें हमारे देश का एमिनिशन बनता है मिलिट्री के लिए, जहाँ रिसर्च होती है। तो साहब सहायक अनुसंधान के पद पर वहां नियुक्त हुए और उधर से साहब ने मंगनी की हाँ भर ली थी, कोई बात नहीं, आप जब परिवार के लोग तैयार है तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। मजबूरी ये रही कि साहब ने धीरे धीरे करके शादी नहीं की। एक दिन साहब की माताजी उनको मनाने के लिए गई और जब साहब की माता उनके पास पहुंची, वहां जाने के बाद साहब को देखा कि साहब का आश्रम एक किताब को पढ़ रहे हैं। साहब किताब को जैसे पढ़ रहे हैं, रात के 10 बज गए, 11 बजे, 12 बजे, रात का 1 बज गया, यार माँ बीच बीच में उठ करके देखे, उल्टी माँ सो जाए, फिर उठ के देखे फिर सो जाए, फिर उठ के देखे फिर सो जाए। तो माँ ने सोचा भाई ऐसा क्या कर रहा है कांशीराम, तो माँ प्यार से साहब को काशिया बोलती थी। माता जी ने रात को खड़े होकर के किताब छीनी और एक साइड में रख, किताब छीनने के बाद माँ ने कहा वे काशिया इस किताब में तू क्या खोज रहा है। तो साहब कांशीराम कहते हैं कि माँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस किताब में राज की चाबी छुपा करके गए हैं, मैं उस चाबी को खोज रहा हूँ। और उस किताब का नाम था एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का जो मूल विनाश है, जातियों का विध्वंस कैसे हो सकता है, ये पुस्तक धम्मभूमि ने प्रकाशित भी की। तो माँ ने सोचा कि जो कांशीराम है अब इस बात को मानेंगे नहीं, और साहब ने कहा कि माँ मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ और मुझे शेरे की जरूरत नहीं है, मेरे को कफन चाहिए। और माँ वहां से रोते बिलखती चले गई और उसके बाद साहब की मंगनी तोड़ी। तो जो ये पॉइंट था राज की चाबी कैसे छुपाई है, तो जो साहब ने एक सब्जेक्ट उठाया और उसका नाम दिया राजनीतिक सत्ता, वह है गुरु किल्ली, वह मास्टर चाबी है जिसे सभी समस्याओं के ताले खोल ले जा सकते। और साहब ने प्रभु साथियों सिर्फ एक सब्जेक्ट पर ही काम किया और जिंदगी भर साहब ने एक ही पॉइंट उठाया और उसी पर यह बात बोल दी कि मुझे मेरा मकसद मिल गया है जिस पर मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और आपने देखा होगा साहब का जो जीवन का मकसद रहा है वो दर दिन प्रतिदिन साहब अपग्रेड होते रहे, बढ़ते रहे और जिंदगी भर एक ही मकसद पर काम करते रहे कि मैं बहुजन समाज को हुक्मरान समाज देखना चाहता हूँ। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि साहब लगातार एक ही विषय पर प्रभु साथी काम करते रहे। अब बात आती है योगदान की, ये विषय इतना बड़ा है, ये विषय इतना गंभीर है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। 40 मिनट में अगर हम सोचे कि साहब कांशीराम जी का क्या योगदान है, तो मैं समझता हूँ कि मैं इस विषय पर 40 दिन तक लगातार बोल सकता हूँ, 40-40 मिनट के एपिसोड को लेकर। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें साहब कांशीराम जी का योगदान ना हो। आप सामाजिक योगदान की बात करें, आप धार्मिक योगदान की बात करें, आप आर्थिक मूवमेंट में साहब कांशीराम जी की बात करें, राजनीति में आप साहब की मूवमेंट पर बात करें, ऐसा इतने सारे सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं साहब कांशीराम जी के ऊपर कि आप अगर एक टॉपिक उठा ले, अगर राजनीति को ही लेके चलेंगे तो इतना ज्यादा लोगों को साहब कांशीराम जी ने घुमाया कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा साहब कांशीराम ने जिस पर काम ना किया। स्टार्टिंग अगर हम करें तो साहब ने सबसे पहले सामाजिक मूवमेंट पर काम किया और सबसे पहले लोगों को साहब ने एहसास कराया। साहब ने एहसास कैसे कराया, हम मुट्ठी भर लोगों को दिखाई देते थे और हम, असली बात तो ये है कि हम सब जितने भी हमारे लोग थे वो बकरी की तरह मिमियाते थे। अगर मैं ये कहूं कि शेर की तरह दहाड़ना सिखाया है तो साहब कांशीराम जी का इसमें योगदान है। साहब ने कहा कि आप लोगों की बोली लगा दी जाती, आप लोगों की बोली सिर्फ एक मुर्गी के अंडे में लगा दी जाती, पौवे में लगा दी जाती, तुम्हें बेच दिया जाता है, खरीदार आता है और तुम सबको बेच जाता, तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम्हारी कीमत क्या है, तुम इतने छोटी सी चीज में बेच देते हो। जिस वोट की ताकत को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, विदेशों में गए हैं, अब अवगरी जिंदगी होने के बावजूद भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 3 बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए हैं, उसके बावजूद भी तुम उनकी जो कीमत है, उनकी वैल्यू है वोट की ताकत को तुम समझ नहीं पा रहे हो और तुम उनको बेच देते हो। तो सबसे पहले साहब ने लोगों को एहसास कराया और अपना संख्या बल बताया। संख्या साहब ने नारा दिया कि
जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि तुम्हारी हिस्सेदारी कहाँ मिलती है? क्या सिर्फ तुम्हारी जो औकात एक पौवे लायक है? क्या तुम्हारी औकात सिर्फ एक मुर्गी के अंडे लायक है? साहब ने कहा कि तुम अपनी संख्या को पहचानो। और जब हमें एहसास हुआ तो साहब ने नारा दिया कि 15 का राज 85 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और साहब ने सामाजिक रूप से इतना ज्यादा दायरा लोगों को बढ़ा दिया, इतना ज्यादा लोगों को फैलाया, इतना ज्यादा तैयार किया कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। जितना भी मीडिया था, जितने भी हमारे भी जो जागरूक लोग थे, जिनको आप विद्वान लोग बोलते हैं, वो विद्वान भी साहब की बात का बुरा मानते थे कि जिन लोगों को चौपाल बनाने तक की औकात नहीं है, चौपाल बनाने के लिए 5 साल तक एमएलए के तलवे चाटने पड़ते हैं, छुट भैया नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, और साहब कांशीराम कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, और ये लोग चौपाल तक नहीं बना सकते, तो ये कैसे इकट्ठे हो पाएंगे? बामसेब का साहब ने सहारा लिया। जो एम्प्लॉय कभी किसी से डरते थे, नेताओं से डरते थे, राजनीति से डरते थे, प्रमोशन से डरते थे, ट्रांसफर से डरते थे, उनका डर निकाला और डर निकाल करके उनको एक संगठित किया। सबसे पहले शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब के लोग, माइनॉरिटी जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो दबाए गए सताए गए लोग, उन सबको इकट्ठा करके बामसेब नामक संगठन बनाया। और उस संगठन को बनाने के बाद में साहब ने उनके अधिवेशन किए। जो लोग बकरी की तरह में आते थे, जो डरते थे, उन लोगों को एहसास कराया। साहब ने कहा कि एक स्टेटमेंट उठाई, साहब ने कहा कि 100 शेरों का नेतृत्व अगर कुत्ता कर रहा हो और युद्ध के मैदान में खड़े हो, तो जितने भी शेर हैं वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और साहब कहते हैं कि अगर 100 कुत्तों का नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, तो सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो भी शेर की तरह दहाड़ करके लड़ेंगे। साहब ने कहा कि नेतृत्व सिद्ध करो अपना, और साथियों आपके बीच में नेतृत्व सिद्ध करके दिखाया और अपनी आवाज उठाना सिखाया। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो बकरी की तरह कभी मेमे आते थे, उनको अगर शेर की तरह दाड़ना सिखा, तो साहब घासीराम जी का इसमें योगदान। उसके बाद में अगर बात आती, साहब ने DS4 की स्थापना की, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। और उसके तहत अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हरियाणा में चुनाव की शुरुआत की थी, और साहब ने एक जो उस टाइम पर ओप्रेस्ड इंडिया एक पत्रिका आती थी, उसमें साहब ने एक टॉपिक भी दिया था, भी हम वोट बनाना सीखेंगे। और इस नारे के साथ ही साहब ने रोहतक से चुनाव अभियान शुरू किया था, और उस चुनाव अभियान के तहत साहब ने वहाँ एक मैदान एक्वायर कराया, उसकी परमिशन ली, और उस मैदान में अपना बड़ा कार्यक्रम किया। और उसी मैदान में इंदिरा गांधी की भी रैली होनी थी, और एक दो और नेताओं की, शायद अटल बिहारी की थी या किसकी, दो तीन नेताओं की थी, वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड मेरे पास है, वो मैंने लिख रखा है। तो वहां उनकी रैली होनी थी, हमें परमिशन भी नहीं मिल रही, लेकिन साहब ने कहा भी जितने भी हमारे जो कमेरे साथी हैं, जो मजबूत हो, यहाँ मुस्तैद हो जाएं, हमें पीछे नहीं हटना, क्योंकि उससे पहले हमें मौका मिल चुका, हमें परमिशन मिल चुकी है। साहब ने वहां शुरुआत की, मतलब उन लोगों को जागरूक साहब ने किया जो बिल्कुल ये कभी उठने की हिम्मत नहीं करते थे। सबसे पहले साहब ने लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, मानसिक रूप से तैयार किया, और मैंने खुद ये देखा, हमने खुद ये सारी चीजें महसूस भी की है। तो साहब कहते हैं तुम्हारे दिमाग में डर नाम की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। कोई आपको कहे कि एक आएगा, एक देवता आएगा, तुम्हें मार के खा जाएगा या तुम अंधे हो जाओगे, साहब ने कहा दिमाग से निकाल दो, मैं बैठा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। और वो साथी हमारी जो बेल्ट है वहां नीले झंडे चढ़ाए जाते हैं सैयद बाबाओं के, और ये शुरुआत हमने वहीं से की। हम सैयद बाबा के ऊपर जाते और वहां से नीले झंडे उठा करके ले आते, और उस टाइम पर ये प्रिंटेड झंडे नहीं आते थे, हम काट करके सिलाई करते और हाथी से स्टेंसिल से उसमें गोल्डन कलर या हम सिल्वर कलर लेकर उस पर छाप देते थे। हमारे परिवार के लोग कहते कि भाई बाबा के वहां से तुम उठा के लेके आए और बाबा तुम्हें अंधा कर देगा। तो हमने कहा साहब कांशीराम ने हमें बताया कि मैं बैठा हूँ तुम्हारे, उनके बाबा से सबसे बड़ा बाबा, बाबा साहब हमारे साथ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। पर वो चाहती वो दिमाग से जो डर था वो साहब कांशीराम ने बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया था। जितने भी जो लोग हैं जो मूवमेंट में काम करते थे, हालांकि उन लोगों को पागल कहा जाता। हमारे गांव में था एक बुजुर्ग, वो सबसे पहले अगर उसको हम दूसरा भी वादन करते थे तो मना करते थे कि बेटा ये मत बोलो, तुम जय भीम बोला करो, जय भीम जय भारत बोला करो।
और लोग उनको, बहुत सारे लोग थे जो दूसरे थे, वो कहते के दो दादा है पटवारी पागल हो गया है। और साहब काशीराम जी स्टेटमेंट को अक्सर लोगों के बीच में दोहराते थे कि इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने थे, हम पागल ही अच्छे। प्रभु साथी वो पागलपन था, साहब काशीराम खुद कहते थे कि हमें किसी भी मकसद को पाने के लिए पागलपन की हदों को पार करना होगा। अगर आप लोग पागलपन की हदों को पार करेंगे तो आप उस मकसद को जरूर पाएंगे। आप किसी भी मोमेंट के किसी साथी को देखिए या किसी भी मकसद में जो वो बिल्कुल पागल होकर के लग जाता है, तो 100% वो सक्सेस होता। चाहे आप एजुकेशन में देखो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखो, या राजनीति में देखो। और जो आदमी स्मूथली चलता है ना, बैलेंस बना करके, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा पीछे रह गया, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा पीछे रह गया, वो हालात आपके सामने आज के रिजल्ट से आप भली भांति सभी सारे परिचित है। और दूसरा साथियों, अगला जो विषय है, सबसे मेन बात क्या होती है कि साहब कांशीराम जी का असली योगदान क्या। नेता तो बहुत आते हैं, साहब कांशीराम जी पत्रकार पूछते हैं कि जी आप समाज के नेता हैं, तो साहब कहते हैं मैं नेता नहीं, नेता तो समाज में छुट भई है, नेता धक्के खाते समाज में बहुत मिल जाएंगे। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मनी कुमार जी सीधी स्त्री की बात, जैसे चाहे वो चुभने वाली, हमें सिखाया ये गया है, हमारा जो तकलीफ है, मान लिया कि मेरे साथ किसी ने, मेरे साथ अपर कास्ट के आदमी ने मेरे साथ मार पिटाई की है, और मार पिटाई करने के बाद में मैं अगर उसको लिखना शुरू करूं तो क्या मैं उसमें अलंकार लिखूंगा कि मेरे को एक आदमी आया, एक लठ लेके आया और लठ को झंझनाते हुए लाया, उसके ऊपर घुंघरू बंधे हुए थे और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ नाचते हुए आया और ऐसे लाठी घुमाता रहा घुमाता रहा, फिर उन्हें मेरे सिर में मारा, फिर मेरे सिर में लगने के बाद खून निकलने लगा, खून बड़ा रंगीन था, बड़ा मजा आया। अब इसमें हम, मेरे साथ चोट लगी है तो सिर्फ कोई लाग लपेट नहीं, इसमें अलंकार अलंकार नहीं है। मैंने जो भी साहब कांशीराम जी की मूवमेंट पर जो बुक लिखी, मैंने अलंकृत भाषा नहीं है, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, क्योंकि साहब कांशीराम ने हमें ये बताया कि इसमें अलंकारों की जरूरत नहीं है, हमारे साथ प्रॉब्लम है तो सीधा सॉल्यूशन देते थे। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो एम्प्लॉय थे, साहब कांशीराम जी से जब मिलने जाते थे तो साहब कांशीराम जी के पास जब पहुंचते थे कि साहब हमारे साथ बहुत तकलीफें हैं, हमारी जमीनों को दबा लिया जाता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बेइज्जत कर दिया जाता है, हमें बहुत तकलीफ होती है, साहब हमारा सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, साहब हमारी आवाज उठाओ। तो साहब कहते थे कि अपनी सरकारें बनाओ, जिनकी सरकारें होती हैं उसकी बहन बेटियां भी सुरक्षित होती हैं और दुश्मन उसकी जमीन कभी भी नहीं दबा सकता, इसलिए अपनी सरकारें बनाओ। अब लोग वहां से मन महसूस करके आ जाते थे कि सरकार कोई हथेली पर रखी है, ये झटके में बन जाएगी। साहब कहते थे कि तुम अपनी वोट की ताकत को पहचानो, तुम हाथी की तरह विशाल हो और विशाल हाथी की जब तुम ताकत पहचानोगे तो जब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ हकीकत में तुम राजाओं के संतान हो, तुम्हारे पिता पुरख के राजा थे। हाथी का जो चुनाव चिन्ह है प्रभु साथी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव चिन्ह है। मेरे पास वो पंपलेट है, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पंपलेट है, जिस टाइम पर बाबा साहब ने जो फेडरेशन बनाई थी, राजनीतिक मूवमेंट खड़ी की थी, तो साहब का चुनाव चिन्ह, बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हाथी था और साहब कांशीराम जी ने वहीं से वो लिया। तो साहब ने हमें सामाजिक रूप से इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम इकट्ठे होकर के अपना मुद्दा उठा सकते हैं और जब हम अपना मुद्दा उठाएंगे तो हम अपने हक हकों की लड़ाई लड़ेंगे और संगठित तो होकर के हम काम करेंगे, तो आप लोगों को सही अर्थों में पता चल पाएगा। मैं आप लोगों को ये बात कहूं कि सही अर्थों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उत्तराधिकारी तो साहब कांशीराम जी। आपने राजनीतिक नारे सुनोगे बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम काशीराम, ये बात लोग वैसे नहीं कह देते, ये नारे खाम खाम में लीपा पोती करने के लिए नहीं बनाए गए, सही अर्थों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन है साहब कांशीराम जी ने खड़ा किया, ये संगठित करने का प्रयास। जैसे एक पत्रकार ने साहब से पूछा कि आपने हाथी चुनाव चिन्ह क्यों रखा, तो साहब कांशीराम कहते हैं कि ये तो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछ, उनका चुनाव चिन्ह हाथी था। तो पत्रकार कहते हैं जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो इस दुनिया में नहीं है, हम उनसे कैसे पूछे, तो साहब कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर, ये तो आप लोग लेट आए हैं या आपके जो दादा परदादा थे उनको बोलते कि उन्होंने हाथी क्यों रखे। तो उन्होंने कहा जी आपने भी तो दिमाग लगाया होगा कि आपने चुनाव चिन्ह हाथी क्यों रखा, तो साहब कांशीराम जी कहते हैं कि जहां मेरे महापुरुष दिमाग लगा लेते हैं मैं वहां दिमाग नहीं लगाता, मैं तो जो हाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मोमेंट छोड़ के गए मैं तो उस काम को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। मेरा मकसद साहब बाबा साहब के मोमेंट को जीरो से शुरू करना नहीं है,
मेरा मकसद जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां इस मूवमेंट को छोड़ के गए, मैं उससे आगे काम करना चाहता हूँ। और साहब ने एक माइलस्टोन दे दिया समाज को। और साहब की खास बात, हम सब क्यों जुड़ते चले गए, क्योंकि ईमानदार नेतृत्व ही मूवमेंट खड़ी कर सकता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा बंते जी कसी और मशीन लेकर के घास काटने लग जाते हैं, आज खाद उठवाई मिलकर के साथ में काम करते हैं। जब नेतृत्व ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ काम करता, तब आपका मन बनता कि हम भी साथ लग करके काम करें। नहीं तो नेता ऐसे इशारा करता रहे, ये करो ये करो, तो आम आदमी भी सोचेगा यार जब नेता ऐसे खड़ा तो मैं भी इशारा ही करता रहूं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूवमेंट है उसमें साहब कांशीराम जी ने ईमानदारी से काम किया साहब ने। और ईमानदारी से कैसे काम किया, साहब का एक लेटर की बात आती है कि साहब एक लेटर लिख करके माँ को भेजते हैं, जब बार बार उनके पास दबाव आ रहा था शादी कर ले वे कांशिया, जब तक घर में बड़े लड़के की शादी नहीं हो जाती तब तक छोटों की शादी नहीं हो सकती है, इसलिए आज समय आ गया है कि तू शादी कर ले। तो साहब मना कर देते, फिर एक लेटर लिख करके भेजते और उसमें साहब अपना एक संकल्प लिख करके भेजते। और संकल्प ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं करें त्यागी हो जाते हैं और उस बात को पकड़ के बैठे, मैं तो जी लंबे समय से करें त्यागी हूँ, मैं तो बहुत समय हो गया जी करें त्यागी, उसी बात को पकड़ के लेके बैठ जाते हैं। योगदान की बात आती है तो उस टाइम पर भी उसमें पता नहीं चल पाता कि उनका योगदान इसमें क्या है। ये फोन बंद कर दे, साइलेंट कर दिया। तो उसमें सावकाशराम उस लेटर में लिखते हैं अपना संकल्प दोहराते हैं और संकल्प को क्या कहते हैं कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कोई भी नौकरी नहीं करूंगा और मैं घर के खुशी और गमी में कभी भी घर में नहीं जाऊंगा, समाज के लिए जीऊंगा समाज के लिए मरूंगा, समाज जैसा खाने को देगा ऐसा मैं खाऊंगा, जैसा पहनने को देगा ऐसा मैं पहनूंगा, एक रुपया भी अगर समाज का एक रुपया भी मैं गलत इस्तेमाल करता हूं तो मैं समाज को समाज का सबसे बड़ा अपने आप को गुनहगार समझूंगा, एक इंच भी जमीन मेरे नाम से नहीं होगी जिसमें मैं अपनी कब्र भी बना सकूं। प्रभु साजी ये चार पांच जो पॉइंट है साहब कांशीराम ने लोगों को के सामने रखे और ये बात बड़े पैमाने पर फैली। साहब ने सब जगह कहा भी मेरा घर से कोई लेना देना नहीं। और आपको पता भी इस बात का, जब साहब कांशीराम के फादर एक्सपायर हो गए थे तो उनके अंतिम संस्कार में भी साहब नहीं गए थे, वहां कोई कार्यक्रम था उनका और जब कार्यक्रम था तो साहब वहां जब पहुंचे थे तो 10 मिनट के लिए खड़े खड़े गए और वहीं से वापस आ गए थे, वहां कोई बामसेब का कार्यक्रम चल रहा। तो प्रभु साथियों इस तरीके से नेतृत्व को निष्पक्ष होना पड़ता है, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है। ये नहीं कि दोराचन अगर हम करेंगे मूवमेंट में तो समाज सहयोग नहीं कर पाएगा। और आपने देखा होगा हमने इतने सारे लोगों को देखा, साहब ने आजीवन शादी न करने की जब बात कही तो मैंने बहुत सारे सैकड़ों साथियों का नाम सुना, आप लोग भी जानते हैं, उन्होंने भी साहब के साथ शादी नहीं की, उन्होंने कहा कि हम साहब की तरह ही आजीवन शादी नहीं करेंगे। वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे, क्योंकि एक मैटर जब आदमी को दे दिया जाता तो लंबे समय तक वो खुराक वो दवाई काम नहीं करती, और उनको खुराक मिलना बंद हो गया तो मकसद से थोड़ा सा भटक गए। यहां तक का जो हमारा एपिसोड रहा प्रभु साथी, वो साहब कांशीराम जी का जो सामाजिक मामला है वहां तक आया कि आप लोगों को एकजुट कैसे किया। और साहब ने नेतृत्व के हमारे बीच में मापदंड सुनिश्चित किए कि एक नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। और साहब ने प्रभु साथी साथ में कार्यकर्ताओं के गुण भी पैदा किए कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। आप लोग अगर धर्मभूमि के कैंप में आते होंगे तो बंते जी कार्यकर्ताओं के गुण आप लोगों को सिखाते हैं कि कार्यकर्ता किसी के घर में जाए तो जैसा खाने को मिले ऐसा ले ले, अगर सब्जी में नमक नहीं है तो मांगे नहीं, जो घर में उपलब्ध है उसको ही खा ले, डिमांड मत करे कि मुझे ये खाना है, जो आपको प्यार से दे दिया उसी को स्वीकार करें। किसी भी सूरत में अगर हम किसी कार्यकर्ता के घर में जा रहे हैं तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे जाने के बाद हमें वो बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे कि यार फला आदमी आया है, मैंने उसके लिए इतनी सारी मेहनत की है, इतनी व्यवस्था की ताकि उसको तकलीफ ना हो। ये सारी के सारी चीजें साहब कांशीराम जी ने बताई। और मैंने देखा है प्रभु साथी हमारे पास जब कार्यकर्ता आते थे, हमारे गांव में मूवमेंट बहुत जल्दी आ गई थी और हमारे घरों में हमारे जो भाई थे परिवार के लोग थे उनके घरों में बहुत पहले हमारे घरों में झंडा आ गया था नीला, प्लास्टिक के झंडे जब आते थे और मेरी मदर है वो सिलाई करती थी और उन झंडों को ऐसे सील करके हम लड़ी बनाते थे।
और हम जाकर के बांधते। तो ये चीजें हमें इतना मेंटली प्रिपेयर कर दिया था, और हमें भले ही हमारे बोट चार आते थे लेकिन हमें सावकाश राम जी के अलावा कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देती। उसके बाद में साथियों बाम से फिर DS4 जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनी, और उसमें चुनाव एक बार हरियाणा में लड़ा गया, और 1984 तक आते आते सावकाश राम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करके साहब ने कहा कि अब हमें राजनीतिक प्लेटफार्म की जरूरत है, और हमने लोगों को तैयार कर लिया और लोगों को फिर एहसास कराया। वही हाथी हमारा चुनाव चिन्ह हमें मिला, और हाथी चुनाव चिन्ह साहब को मिलने के बाद में फिर लोगों के बीच में साहब गए और लोगों को तैयार किया। और एक घटना आती है रोड धर्मशाला की, एक मैंने बुक में वो दिया भी है, जब सावकाश राम लोगों को कैडर दे रहे थे, कैडर का दौर चलता था, लोगों को कैडर के माध्यम से तैयार किया गया, और कैडर के दौर में साहब ने जब लोगों को समझाया कि कैडर की वैल्यू क्या होती है, वो कैडर से पता चल पाया। आजकल आपने देखा होगा किसी आदमी से बात करो, कहाँ जा रहे, जी मैं कैडर देने जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया कि कैडर का मीनिंग क्या है, तो उनको पता नहीं कि कैडर की मीनिंग क्या। हर एक साहब के टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का एक मकसद होता था और उसके मीनिंग होते थे। ये नहीं कि कुछ भी बात हमारे बीच में बोल दी, एक मकसद के लिए साहब तैयार करते थे। तो पानीपत की रोड धर्मशाला है, और वहां साहब कैडर दे रहे थे, और हमारे जो सैकड़ों कार्यकर्ता थे वो वहां बैठे हुए थे। तो साहब ने देखा कि लोग बैठे बैठे ऊंग रहे हैं, खराटे लेने लगे। साहब ने एक घंटा पढ़ाया, उसके बाद में साहब ने कहा भाई तुम अगर यहाँ उंगने लगे और कल तुम पार्लियामेंट में जाओगे और वहां जाकर के जब तुम उंगोगे तो समाज की बात कैसे उठा पाओगे, आप उबासी ले रहे हो, खराटे ले रहे हो, सो रहे हो। तो साहब ने कहा खड़े हो जाओ, भूख लगी, हाँ जी साहब भूख लगी, जाओ छत पे जाओ, वहां पानी रखा, पानी पी के हवा खा करके वापिस आ जाओ। मैंने देखा है लोग बताते हैं कि पेट के ऊपर हम ऐसे कपड़ा बांध लेते जब हमें भूख लगती थी, और पानी पी करके हम फिर से वहां नीचे आकर के बैठ जाते। कार्यकर्ताओं के पास खाने के लिए सिर्फ गुड़ और चने होते थे, और मैंने देखा कार्यकर्ता गुड़ और चने लेकर के जाते थे ताकि वो दूसरे साथियों को भी दे दे, क्योंकि चने से जल्दी भूख मर जाती है और गुड़ एनर्जी देता है, उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। और आपने देखा होगा कि बंते जी जब रात को कैंप लगाते हैं तो उसमें बंते जी आप लोगों को गुड़ और चने देते हैं। तो प्रबुद्ध साथियों इस तरीके से आपने देखा कि ये मूवमेंट धीरे धीरे इतने ज्यादा ग्रोथ करने लगी, लोगों को समझ में आने लगा कि मूवमेंट होती क्या है। उससे पहले लोगों को ये नहीं पता था कि हम काम किस तरीके से करें, और साहब ने इसी तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए, आपने देखा होगा कि राजनीतिक मूवमेंट धीरे धीरे इतने ज्यादा ब्रॉड लेवल पर चलने लगी। मैंने बुजुर्गों को हाथी छापते देखा, वो पागलपन मैंने उन लोगों को देखा अपना काम धंधा छोड़ करके साइकिल उठा करके साहब के पीछे पीछे चल लेते। उसके बाद में अगर आप बैकवर्ड क्लासेस को तैयार करने की बात करेंगे तो साहब का जो बैकवर्ड क्लासेस को तैयार करने का योगदान है उसके अंदर आप झांक के देखेंगे तो साहब ने जो बामसे बनाई थी उसमें बैकवर्ड को बड़े पैमाने पर तैयार किया। एक उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक नेता BSP को छोड़ के भाग गया था, वो साहब के पास प्लम्बर का काम करता था, बैकवर्ड क्लासेस से था। साहब ने कहा भाई तू प्लम्बर के काम में कितने कमा लेता, कि जी मैं इतना कमा लेता। साहब ने कहा कि भाई तू अपने समाज को तैयार कर, और तू समाज को तैयार करेगा तो हम तेरे को नेता बनाएंगे। और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को साहब ने बड़े पैमाने पर तैयार किया और बैकवर्ड साहब से जुड़ता चला गया। जिस भी राज्य में साहब गए तो उन्होंने अलग अलग नेताओं को इसमें शामिल किया। जैसे बैकवर्ड को तैयार करने के लिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को साहब ने जोड़ा, और मुलायम सिंह को तैयार करते हुए साहब ने नारा भी दिया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गई जय श्री राम। और मुलायम के साथ मिलने के बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और हमारे लोगों ने मिल करके चुनाव लड़ा। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो लालू प्रसाद को साहब ने तैयार किया, और साहब ने लालू प्रसाद को एक बात कही थी कि लालू भूरावाल साहब करो, तो लालू ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया जी इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो साहब ने कहा कि वैसे भूमि और लैसे लाला, राशे राजपूत और बासे ब्राह्मण, इनको आप साफ करो तो तुम्हारी सरकार कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा भले लालू जेल में चले गए उसके बाद भी राबड़ी देवी ने शासन किया वहां। तो साहब का जो योगदान है, एक एक स्टेट में गए और हर आदमी से हाथ मिलाया, भले साहब कांशी राम जी ने किसी भी नेता से हाथ मिला लेकिन समाज को कभी गिर भी नहीं रखा साहब ने। साहब हमेशा उनके साथ हाथ मिला करके उनके कंधे पर बैठ करके चले।
अब हरियाणा में अगर आप बात करेंगे तो चौधरी देवीलाल से साहब ने हाथ मिलाया, और जब रोहतक में साहब ने अधिवेशन किया, कार्यक्रम किया सांझा, जब हमारा चुनाव लड़ा गया अंबाला से अमन कुमार नागरा, उस टाइम हरियाणा के प्रेसिडेंट होते थे बहुजन समाज पार्टी के, तो साहब ने जब उनसे समझौता किया तो वहां से अमन कुमार नागरा अंबाला से सांसद बने, और जब सांझा रैली की गई, दिल्ली में रैली की थी, और वो रैली साहब ने लाल किले के पीछे से की, तो साहब ने वहां वक्तव्य में कहा भी था कि भाई जब हमारी सरकार नहीं, इसलिए हमें पीछे से बोलना पड़ रहा है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम लाल किले के आगे से बोल लेंगे, और वहां नारा दिया था ताऊ पूरा तोलेगा लाल किले से बोलेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बैकवर्ड में जितने भी लोग थे साहब ने उनको एहसास कराया, और उनको साथ अपने साथ जोड़ते हुए एक एक जो स्टेट में सरकारें थी जो किसी के जोड़ तोड़ से बनती थी, साहब ने अपना वहां हिस्सेदारी सिद्ध की, और हमारे लोगों को इससे राजनीतिक संरक्षण मिला। और उस संरक्षण के दौरान साहब ने एक निडरता का जो माहौल था, एक जो हमारी सोसाइटी में भय था कि हम झंडा लेके नहीं चलते थे, मैंने खुद देखा जब हमारी भी एक बार पिटाई हुई है, एक गांव में हम झंडा लेकर के जब जा रहे थे तो हमारी पिटाई हुई, हम मार साथी थे, और गांव के लोगों ने देखा कि ये बीएसपी के लोग हैं, हम भी पिट के आए वहां से। वो बाद में एक अलग बात है कि हमने उनसे किस तरीके से बदला लिया। तो कहने का अर्थ क्या कि इतना डर था हमारे लोगों में जब भी हम किसी गांव में जाते थे, लेकिन साहब ने वो डर हमारे लोगों के दिमाग से निकाल दिया। और ये नारा आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि नालायक लोग, साहब कहते तुम नालायक लोग, और साहब ने ये बात वहां भी आप लोगों को एहसास कराया कि मैं नालायक लोगों के नालायकी दूर करके लायकी पैदा करके मैं लायकों की सरकार बनाना चाहता हूँ। तो साहब ने आप लोगों को लायक बनाया, हम सबको लायक बनाया, हम खुद करें हम नालायक, और हमारे अंदर साहब ने लायकी पैदा की, और आज हम जितना कॉन्फिडेंस है, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि एक महापुरुषों की फेरिस्त है, और उस फेरिस्त में अगर जो जानकारी देने वाले हैं या हमें तैयार करने वाले, तो प्रभु साथियों साहब कांशीराम जी सबसे उस कतार में सबसे आगे खड़े। साहब ने हम सबको तैयार किया, और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो भय का जो वातावरण था हमारी सोसाइटी में पैदा किया, वो साहब कांशीराम जी का बड़े पैमाने पर उसमें साहब का योगदान। राजनीतिक नारे आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, हमारे जितने भी लोग थे कांग्रेसी रहे और कांग्रेस में जी हजूरी करते रहे, लेकिन साहब ने नारे दिए कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पट्टे मिले, उत्तर प्रदेश के साथ ही भली भांति जानते हैं, वो एक अलग बात है कि हम मूवमेंट को भूल चुके हैं। साहब का ही नारा है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, और साहब ने सरकार बनते ही अपने जितने भी डीएम थे उनको बुलाया, आज ही मेयर बनते जी चर्चा कर रहे थे, डीएम को बुला करके साहब ने कहा कि भाई पहले तुम दूसरों के हुक्म के गुलाम थे, आज तुम्हारी अपनी सरकार है, और मैं चाहता हूँ कि जो जमीन कागजों में है मैं उस जमीन को जमीन पर देना चाहता हूँ। और प्रभु साथियों डीएम से साहब ने समय मांगा था कि आपको कितना समय चाहिए, तो वो कहते हैं जी हमें 2 महीने का, 1 महीने का समय चाहिए, तो साहब बोले मैं आपको 3 महीने का समय देता हूँ और वो जमीन जमीन पर आप लोगों को दे दें। तो प्रभु साथियों 1 महीने में आकर के उन्होंने काम कर दिया। तो साहब ने वहां भी एक बात कही कि जिनके डीएम होते हैं उनके सीएम कामयाब होते हैं, जो पुराने साथी हैं वो इस बात को भली भांति जानते। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक, चाहे एम्प्लॉय की बात आए, चाहे अनएम्प्लॉयड की बात आए, चाहे धार्मिक मूवमेंट की बात आए, उन सबको साहब ने एक एक करके बारीकी से तैयार किया, और साहब ने कहा कि गुलामों अपनी सरकार बनाओ, और हमारे जो एम्प्लॉय थे उनको भी कहा कि तुम पहले गुलाम थे अब तुम्हारी अपनी सरकार है, और ऐसे बहुत सारे डीएम थे उनको तैयार किया। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा एपिसोड साहब को अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसमें साहब क्या बोलते हैं कि एक डीएम अपर कास्ट का था और वो यहाँ इसमें काम करता था यूपी में, तो बताते हैं कि उसका प्रधानमंत्री का उनके पास फोन आता है पीवी नरसिंह राव का कि कांशीराम जी ये डीएम मेरा आदमी है, ये अधिकारी मेरा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा सा इतना ज्यादा खिंचाई ना करें, अगर आप इसको खींचेंगे तो मैं दिल्ली बुला लूंगा इसको। तो साहब कहते हैं कि भाई मैं मानता हूं इस बात को कि आप दिल्ली बुलाएंगे, लेकिन जिस दिन हमारे दिल्ली में सरकार आएगी, केंद्र में सरकार आएगी, तब आप इनको यूएसए भेजोगे, कहाँ लेकर के जाओगे? तो अपने डीएम को समझाओ कि ईमानदारी से काम करे, मेरे साथ ही रह के काम करे, मैं गलत आदमी का साथ नहीं देता हूँ, अगर ईमानदारी से काम करेगा मैं तंग नहीं करता, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं बहुजनवादी हूँ, मैं बहुजन हूँ, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो तथागत बुद्ध का
जो सिद्धांत है चरख भिख हुए चारिकन भोजन हिताय भोजन सुखाए सब कहा श्री राम जी ने उसको बारी की से काम किया है। मैं ये कह रहा हूं कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि सबका श्री राम जी का इस मोमेंट में योगदान ना रहा हो। और उसके बाद में आपने देखा होगा इतने सारे नारे गड़े गए, रोटी रोजी दे ना सके वो सरकार ने कमी है, जो सरकार ने कमी है वो सरकार बदलनी, तिलक तराजू और तलवार इनसे रहना होशियार, बहुत सारे ऐसे नारे थे जो सबका श्री राम जी के आंदोलन के दौरान निकले। और हमारे लोग बेखौफ होकर के बेधड़क होकर के उन नारों को दोहराते थे, हमारे गले बैठ जाते थे उन नारों को दोहराते दोहराते, लेकिन किसी तरह का कोई डर नहीं था किसी भी आदमी। आज जितने हमारे लोग खौफजदा हैं उस टाइम पर खौफजदा नहीं थे, क्योंकि साहब ने उन लोगों को इतना बारीकी से तैयार कर दिया था कि वो लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। एक योगदान में अगर आप बात करेंगे साहित्य के मामले में, अगर आज जितने मूवमेंट है जो साहित्य के कारण ही हमारे बीच में खड़ी हो पाई, साहब कांशीराम जी ने साहित्य पे बहुत बारीकी से काम किया। साहब ने के कार्यक्रम होते थे उसमें आपने देखा होगा कि बाबा साहब का साहित्य बड़े पैमाने पर बिकता था, और साहब से पूछा जाता था कि आप किताबों पढ़ते हैं, तो साहब बोलते हैं कि हाँ मुझे किताबों से बहुत लगाव, क्योंकि जो पहली किताब है वो दीना भाना और डी के खापल्डी जी ने बाबा साहब कांशीराम जी को दी थी, जब साहब किरकी में पूना में काम करते थे तो वहां साहब को जो वो किताब दी थी। मैं दीना भाना ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं दीना भाना से मैं मिला हूँ, वो पलवल में आए थे, कार्यक्रम था बामसेख का, और बंते जी फरीदाबाद थे, बंते करुणाशील राहुल जी, मैंने फोन किया कि बंते जी दीना भाना जी पलवल में आए हैं आप भी मुलाकात कर ले तो अच्छी बात होगी। तो दीना भाना जी और मैं एक होटल में बैठे थे पलवल में, जब हम कैंप में घुसते हैं एक ढाबा है वहां हमने बैठ करके चाय पी, मैंने जैसा मेरे से बन पड़ा उनका मैंने आवा भगवत की, तो उन्होंने बताया ये सारी चीज, उन्होंने बताया दीना भाना की वर्डिंग है कि जब काशीराम जी मैं इस लड़ाई को लड़ रहा था, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी को खत्म करके तिलक की जयंती में और दिवाली में शामिल कर दी थी, तो मैं उस आंदोलन को लड़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको यहाँ से निकलवाओ, तो मैं सस्पेंड हो गया था और मुझे बड़ा परेशान किया गया। तो एक दिन मैंने पता चला कि भी कांशीराम जी भी अपने समाज के हैं, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो बताते हैं दीना भाना जी की खुद की वर्डिंग है, उन्होंने कहा कि कांशीराम जी ने मेरे से पूछा कि आप इस केस को कैसे लड़ोगे, तो उन्होंने कहा जी मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। साहब ने कहा कि आपके पास पैसे हैं, तो बोले जी मेरे पास पैसे नहीं, तो साहब ने मेरे को 1000 रुपये दिए कि ये ले आप इस लड़ाई को लड़ो। और उसके बाद में फिर जब उनको किताब दी गई एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जब किताब देने के बाद में जब उनसे दोबारा मुलाकात हुई, तो साहब ने उनका दीना भाना जी का कहना कि एक तख्ती मुझे दी और उस तख्ती पे ये लिख दिया कि दीना भाना की तरफ अगर कोई उंगली भी उठा देगा तो मैं उसकी बाजू को उखाड़ दूं। तो बता रहे हैं कि जोशी नाम के एक अधिकारी ने पूछा कि कांशीराम जी आपका और दीना भाना जी का क्या लगाव है, आपका क्या मुलाकात है, आप उनको कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जोशी और को पता नहीं था हटे कट्टे गोरे चिट्टे लाल चेहरे से तमतमाता और साहब का चेहरा था, इतने बड़े अधिकारी थे, उनको नहीं पता था कि साहब कांशीराम जी की शेड्यूल कास्ट। तो उनसे पूछा कि भाई आप इनका योगदान क्यों करते हैं, इनको क्यों पैसा देते हैं, आप इनकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, तो साहब कांशीराम ने कहा कि दीना भाना की और मेरी जो राशि है एक है। तो जोशी पूछते हैं कि एक राशि कैसे हुई आपकी, आपका नाम कांशीराम है उनका नाम दीना भाना है, तो साहब कैसे कहते हैं कि मैं चमार हूँ और ये चूड़ा है, तो उस टाइम पर ये दोनों शब्द यूज होते। उसके बाद में जोशी और पीछे हट गए और साहब ने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़े, और उसके बाद में वो केस भी बहाल हुआ, उनकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन साहब कांशीराम जी ने वहां से फिर नौकरी छोड़ दी। तो ये दीना भाना जी की वर्डिंग है, आप मेरे पास उनके सिग्नेचर भी, उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए, मेरा दीना भाना जी का और बंते जी का एक फोटो भी है मेरे पास, हमने एक फोटो भी कराया था। तो इस तरीके से ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जहाँ साहब कांशीराम जी उनसे डरते रहे। तो साहित्य के क्षेत्र में साहब का बहुत बड़ा योगदान है, आपके नॉलेज में आई होगी जो मूवमेंट से जो लोग जुड़े हैं, चमचा युग एक बुक है, एन ईरा दस्तजी द चमचा युग, साहब ने लिखा, साहब ने चमचों की वेराइटी बताई, हालांकि टाइम काफी होगा, एक छोटी सी कहानी मैं जरूर बताना चाहूंगा। साहब हरियाणा में आए थे और हरियाणा में वो ये बुआनी खेड़ा एक गांव है, वहां पे थे पहले कटलर हैमर भी सर्विस करते थे,
मेरे दिमाग से नाम उनका आउट हो गया है। तो वो उस टाइम पर सर्विस करते थे, बामसे के पदाधिकारी थे, और साहब काशीराम आए और वहाँ कैडर चल रहा था, हरियाणा की घटना। तो कैडर के दौरान जैसे साहब आकर के बैठे, तो लोगों उन्होंने कहा कि साहब के लिए जल्दी से वो मेज कुर्सी लगा दो। साहब बोले भाई क्या करोगे? तो साहब वो बोले जी साहब हम आपके लिए खाना लगाए। तो साहब बोले भाई मैं जहाँ बैठा हूँ चारपाई पर, यहाँ ठीक बैठा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। फिर बोले साहब मेज तो लगा देते हैं जिस पर हम आपके सामने थाली रख दे। तो साहब ने कहा नहीं नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, और डिस्टर्ब मत हो, मुझे दे दो, मैं अपने घुटनों पर थाली रख लूंगा। तो प्रभु साथियों साहब के सामने ऐसे थाली रख दी गई और साहब खाना खाने लगे। तो सब्जी में एक नॉर्मल सी बात है, हम एक चम्मच रख देते हैं ताकि आदमी रोटी का ऐसे टूक लगाए चम्मच के साथ में खा जाए। तो बहुत धीरे से जो साथी थे वानी खेड़ा से, उन्होंने कहा कि कांशीराम साहब की जो सब्जी है उसमें चम्मच नहीं है, जल्दी से एक चम्मच ला करके दे दे। तो प्रभु साथी साहब के कान में ये बात पड़ी, तो साहब गरजते हुए बोले कि बेशर्मो इन चमचों से तुम्हें पहले बहुत परेशान हो, तो एक चमचा और ला करके दे दे। उसके बाद में साहब का जो पूरा टॉपिक है वो चमचों के ऊपर रहा, और साहब ने चमचों की बहुत सारी वैरायटी बताई। साहब ने कहा जातिवार चमचे, पार्टीवार चमचे, चमचों के चमचे, अनभिज्ञ चमचे, जागरूक चमचे। तो साहब कहते हैं कि हमारे बीच में जो और चमचे हैं उनसे कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है, लेकिन जो अनभिज्ञ और जो जागरूक चमचे उनमें से जो दो चमचे बचे हुए हैं, जो जागरूक चमचा, जो पढ़ा लिखा चमचा, वो मूवमेंट के लिए, समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक, वो सबसे ज्यादा जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, बाबा साहब के नारे लगाता है, सबसे ज्यादा जयंतियां मनाता है, सबसे आगे सफेद कपड़े पहन के खड़ा हो जाता है, और एक दिन वो समाज को बेच देता है, जैसे आज भी क्या समाज ऐसे बेच देता है समाज। तो वो कहते हैं साहब के इन चमचों से हमें बचना है, और फिर साहब कहते हैं कि हमें करना क्या है, हमें चमचों को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें क्या करना है, यहाँ वार करना है, हिट द हैंड्स विच ऑपरेट द चमचा, क्या हमें उस हाथ पर वार करना जो चमचों को ऑपरेट करता है। और साहब ने प्रभु साहब के अपने पता है कि चमचों के बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से लोगों को समझा रहे, एक बुक लिखी जिसका नाम चमचा युग है, और उसमें चमचों की वैरायटी बताई। और धीरे धीरे साहब ने कहा कि मैं 10 साल में हमारे देश से चमचागिरी खत्म कर दूंगा, चमचों को मूवमेंट से खत्म कर दूंगा। वो एक अलग बात है कि साहब के पास भी समय कम बच पाया। और अगर सही अर्थों में इस बात को मैं कहूं कि हमें भी नहीं पता था इस बात का कौन चमचा है, और जैसे जैसे कोई आदमी हमारे पास दूसरी पार्टियों का आया, हमने उनको देखा, और देखने के बाद में जब हमें आश्चर्य हुआ, हाँ यार ये तो चमचा है, छोड़ो इसकी बात नहीं मानी, ये तो चमचा, हमें भी इस बात का एहसास हुआ। और साहब ने कहा कि इतने बड़े बड़े चमचे पैदा कर लिए कांग्रेस ने, और धीरे धीरे हमें चमचागिरी समझ में आई, और हम सभी लोग मूवमेंट में लग गए, और हम चमचों को एक साइड किया। आपको पता है इस बात को कि कांग्रेस ने चमचों को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पद देना शुरू कर दिए। साहब कहते हैं कि जो चमचा है किसी और का बर्तन खाली नहीं करता, हमारा बर्तन खाली करता, भर के जाता है दूसरे की थाली भर देता है, भर के जाता हमारा बर्तन खाली कर देता। साहब कहते हैं कि उसको खाली जाने दो, भर के मत जाने दो, जब वो खाली जाएगा, खाली बर्तन खाली चमचा वहां पहुंचेगा, तो दूसरे लोग उसको उठाकर फेंक देंगे कि यार इसके पीछे तो कोई है नहीं, तो खाली आ रहा। अलंकारिक भाषा में साहब लोगों को समझाते, और साहब ने हमारे बीच में चमचागिरी की जो बातें हैं वो इतनी बारीकी से समझाई। और आज मेरे ख्याल से जिनने साहब को सुना है वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे चमचों, और एक एक टॉपिक लेकर के, टॉपिक के ऊपर साहब ने इतना बेहतरीन तरीके से हमें समझा। साहब कांशीराम महम में आए, साहब ने कहा कि मैं तो मौका परस्ती हूँ, अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ, मौका परस्ती का मैं खुल्लम खुल्ला खेल खेलता हूँ। लोग कहते थे कि कांशीराम का जो ऊंट है पता नहीं किधर करवट लेगा, पता नहीं वो किसको दुलूती मार देता है। तो साहब कहते हैं कोई बच के रहो, दुलुप्ति आप लोगों को भी लग सकती है। तो साहब महमे कहते हैं कि आज तक हमारे बुजुर्गों ने मौके गवाए, लेकिन मैं मौका नहीं गवाऊंगा, मैं तो मौके का फायदा उठाऊंगा, और मौके ना भी मिले तो मौके पैदा करना जानता हूँ। और साहब ने देखो साथियों मौके पैदा किए, और मौके पैदा करते करते लोगों को इतना मेंटली प्रिपेयर किया, इतना तैयार किया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक भी टॉपिक आप उठा करके देख ले, साहब कांशीराम जी के योगदान को, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसको आप उल्टा नहीं हट सकते, आप भुला नहीं सकते साहब कांशीराम। अगला
आप देखेंगे जब हमारी 3 बार साहब कांशीराम जी के सामने सरकार बनी और सरकार बनने के बाद राजनीतिक रूप से कितने बेहतरीन व्यवस्था के लिए की गई वो आप नोएडा में जाकर के देख सकते हैं। एक छोटा सा संदर्भ आता है कि डिमांड महाराष्ट्र के लोगों की थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो मराठवाड़ा विद्यापीठ उसका नाम बाबा साहब के नाम से हो जाए, तो कांग्रेस ने वहां डिमांड ना पूरी करके कांग्रेस ने लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी के लिए पत्थर लगाया कि ये डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और वहां 4 एकड़ जमीन। तो साहब ने कहा कि चलो हम हमारी सरकार बनी है कांग्रेस ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और यूनिवर्सिटी देख करके आते। जब साहब वहां गए तो उस यूनिवर्सिटी तो नहीं थी लेकिन बाउंड्री बनी हुई थी, वहां गधे चल रहे। तो साहब ने कहा कि भाई मैंने यूनिवर्सिटी में छात्रों को पढ़ते देखा है, विद्यार्थियों को देखा, यूनिवर्सिटी में गधे पहली बार मैंने चलते हुए। तो साहब ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती की, इसलिए बहन जी को कहा कि यहाँ जितनी ज्यादा जमीन हो सके बता रहे, लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन वहाँ एक्वायर की गई और वहाँ बहुत भव्य यूनिवर्सिटी बनाई गई। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी आपके नोएडा में, बाबा साहब के नाम से नगर बने, ज्योतिबा फुले के नाम से नगर बने, महापुरुषों के नाम से हॉस्टल बनाए गए, उधम सिंह के नाम से नगर बसाया गया। ऐसे एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिस पर साहब ने काम ना किया। बेहतरीन हॉस्टल बनाए गए, 500-500 बेड के हॉस्टल अपनी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बने और उन हॉस्टलों में अगर आप जाकर के देखेंगे उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें मेडिटेशन हॉल भी है, उसमें जिम खाना भी है, उसमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस तरह की व्यवस्था प्रबुद्ध साथी आप लोगों की सरकार के दौरान साहब काशीराम जी के नेतृत्व में और वो आप लोगों ने देखने को मिला। और समाज को पाखंड से बाहर निकालने के लिए लोगों को एहसास कराया कि पाखंड से बाहर निकलो और बौद्ध दम के ऊपर बाबा साहब काशीराम जी ने काम किया। और साहब ने सुना भी होगा आप लोगों ने साहब का एक वक्तव्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में बौद्ध दम की दीक्षा लेकर के गए थे और 2006 आते आते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दीक्षा लिए 50 साल हो जाएंगे और 50 साल के दौरान हम भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। आज तक जो बुद्धों का आंकड़ा 1 करोड़ पूरा नहीं हो सका, मैं इसको 4 करोड़ में तब्दील करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से लगते क्षेत्र के सभी लोग बौद्ध बनेंगे, मैं भी बौद्ध बनूंगा, मायाती भी बौद्ध बनेगी और हम सब मिलकर के 14 अक्टूबर 2006 को दीक्षा लेंगे। ये साहब ने प्रबुद्ध साथियों नारा दिया था और बौद्ध शोध केंद्र की स्थापना की और साहब ने ये बात भी कही कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का बौद्ध में भारत बनाना चाहता हूँ। ये सारे के सारी चीजें प्रबुद्ध साथी हमें साहब से सीखने को मिली। और अंत में साहब 2006 को अक्टूबर का ही महीना था, साहब हमारे बीच से अलविदा हो गए। 9 अक्टूबर का जो कल का दिन है वो जो साहब का मकसद था, क्योंकि एक ब्रेन हेमरेज हुआ, साहब एक कार्यक्रम में जा रहे थे, एक टॉपिक मैंने तैयार किया है एक बुक में, वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि साहब वहाँ गए थे पूना में एक कार्यक्रम के लिए, जो एक बुक आ रही है मेरी जल्दी है वो मैंने तैयार कर दी। तो जब साहब पूना में गए थे तो साहब एक हमारा एक अधिकारी था उसका एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में साहब को कहने लगे जी एक बार साहब को चेकअप करा लो। तो जब साहब का उन्होंने चेकअप किया 2003 में तो उन्होंने कहा कि आप चल कैसे पा रहे हैं, साहब काशीराम जी आप कैसे चल पा रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियां, आप कैसे अपना आपको अड़ते। तो साहब आपसे रिक्वेस्ट है, तो साहब इस बात को कहते हैं कि भाई मुझे पता है मुझे कितनी बीमारियां, तो डॉक्टर बोलता है कि कांशीराम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर आप अपनी जो बची हुई जिंदगी हॉस्पिटल में ही एक बेड पे निकाल, क्योंकि आपका शरीर में इतनी बीमारियां हैं कि आप 4 कदम में नहीं चल सकते। तो साहब कहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, आपकी मैं बात मानूर मैं बेड रेस्ट करूँ, मेरे पास जितना समय है मैं समाज के बीच में ही रह करके गुजारना चाहता हूँ, मैं मरूं चाहे जी। प्रभु साथी वो साथी अभी भी जिंदा है जिनसे मेरी पूना में जिनका हॉस्पिटल था, जो साथी साहब के साथ गए उन्होंने बताया कि साहब ने मना कर दिया, मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ के आओ,
मेरा अगला भी काम है। और जब साहब का आश्रम हैदराबाद में जा रहे थे तो उसी दौरान साहब का ब्रेन हेमरेज हुआ, 2003 की ये घटना सितंबर की, और उसके बाद में साहब हमारे बीच से साथियों अलविदा हो गए। मैं वर्तमान संदर्भ में ज्यादा ना बोलूंगा, कल का दिन था, साहब हमारे बीच से अलविदा हो गई, लेकिन साहब का जो सिद्धांत है उनसे हमने सब कुछ समझौता कर लिया। और जब सिद्धांतों से समझौते हो जाते हैं तो परिणाम भी ऐसे ही आते जैसे आपके बीच में अब आ रहे हैं। आज भले ही आप लोग मातम मना रहे हो कि किसकी सरकार आई किसकी सरकार नहीं आई, अब की बार इसको जिता दो ये हार जाएगा, अब की बार इसको जिता दो ये हार जाएगा, अरे वो जीत जाएगा इसमें डाल दो, अरे गड्ढे में जाएगी, इन्हीं विषयों पर हम सिर्फ चर्चा करते रहे, लेकिन सही अर्थों में हमने मोमेंट में काम करना बंद कर दिया। जो साहब ने गाइडलाइन पैदा की थी कि मैं ईमानदार नेतृत्व पैदा करना चाहता हूँ, प्रभु साथियों वो नेतृत्व कर्ता के मामले में हमारे बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आप सभी साथी परिचित है, इसलिए आज आप लोग राजनीति से पिछड़ रहे हैं और नए नए लोग निकल करके आ रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि जो भी नए लोग निकल करके आ रहे हैं वही के उधर जा रहे हैं और दोनों एक जैसा ही काम कर पा रहे हैं, जिससे मोमेंट हमारी धराशायी हो रही है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप तमाम साथियों से, साहब के योगदान को पढ़ करके उन बातों को आचरण में उतारो। जितनी बातें मैंने आप लोगों से बताई, बहुत लंबा टॉपिक है, सिर्फ मैंने दो ही विषय पर थोड़ी थोड़ी बात की है, सामाजिक विषयों पर मैंने थोड़ी सी बात की है, राजनीतिक मोमेंट में मैंने आपसे थोड़ी सी बात की है, थोड़ा सा मैंने धार्मिक जो मोमेंट रही है साहब की उस पर टच किया। साहब ने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम किया, हमारे व्यापार केंद्र भी लगाए, महापुरुषों के नाम से मेले भी लगाए, रैलियों के भी साहब ने अलग अलग नाम दिए हैं, कुमार समाज रैली, चुस्त चमार रैली, वाल्मीकि समाज रैली, धानक समाज रैली, भाई कुमार समाज रैली, ऐसे अलग अलग लोगों को जोड़ा और साहब ने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। साहब ने एक एक टॉपिक उठाया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो बैकवर्ड के लिए भी साहब ने काम किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए भी काम किया, मुस्लिम लोगों के लिए भी काम किया, सफाई कर्मचारियों के लिए भी योजना बना करके काम किया, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं था जिसमें साहब कांशीराम जी का योगदान ना हो। जैसे साहब जिस भी विषय पर जाते थे वहां जैसे ही विषय बन जाते थे साहब उस पर लगातार काम करते गए। और आपके बीच में आज एक बहुत बड़ी बहुजन मूवमेंट खड़ी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान है, साहब कांशीराम जी का योगदान है कि हम दम के क्षेत्र में हमारे जितने भी टीम के लोग हैं सरदे बनते जी दम भूमि की टीम काम कर, वहीं से सीखे सिखाए लोग, वहीं से हम सीखे और उसको सीख करके हम आप लोगों के बीच में तब्दील कर देते हैं। साहब कांशीराम कहते हैं कि जैसे पेट को खुराक की जरूरत होती है इसी प्रकार हमारे दिमाग को भी खुराक की जरूरत होती है, और दिमाग को खुराक मिलती है विचारों से, विचार आते हैं किताबों से, और विचार किताबों में कहाँ से आएंगे जिन्होंने शोध किया हुआ किसी पिटी बातें नहीं, जो मैंने सुन लिया आपने सुनाया। साहब कहते हैं कि दिमाग लगाना शुरू करो और लोगों को जाकर के मूवमेंट के बारे में बताओ, बड़े पैमाने पर मूवमेंट बने। इस तरीके से साथियों साहब कांशीराम जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, और जीरो से शुरू ना करके मूवमेंट यहाँ खड़ी की और जहाँ छोड़ करके गए साहब चाहते थे कि वो मूवमेंट आगे बढ़ते रहे, जीरो पे ना जाए, राजनीतिक रूप से हम जीरो पे पहुंच गए। इसलिए जागरूक साथियों को आगे आना चाहिए और बिना किसी भी तरह का समझौता किए ईमानदारी से अगर हम मूवमेंट में चार साथी भी कूद पड़ते हैं तो रिजल्ट आएंगे। ईमानदारी के साथ सर्वे बनते डॉक्टर करण सिंह राहुल जी धम्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परिणाम आप देख रहे हैं, आपने भी पिछले दिनों फोटो देखे होंगे, चाहे बिलासपुर की हो चाहे गुजरात की हो, वो फोटो देखे थे। मेरे से बहुत सारे साथियों ने क्वेश्चन किया क्या ये थाईलैंड की फोटो है, क्या ये इंडोनेशिया के भिक्खुओं की फोटो, मैंने कहा कि इंडिया के भिक्खुओं की फोटो, धम्म मैंने श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन चलाया ये वहां की फोटो। तो प्रभु साथियों आप लोगों को भी मूवमेंट के लिए समय निकालना चाहिए, टाइम टैलेंट और ट्रेजरी तीनों चीज जब तक आप समाज को नहीं दोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे, टैलेंट है आपके पास दिमाग है तो आप लोगों को टैलेंट दे, और अगर आपके पास टाइम टैलेंट नहीं है समय नहीं है आप ट्रेजरी नहीं दे पाते हैं तो आपके पास जो धन है तो आप धन दे, तो आपके तीन चीजों में से आप जरूर एक विषय वस्तु समाज को जरूर दे तो समाज बदलेगा और मूवमेंट कभी खत्म नहीं होती है। जैसे बाबा साहब ने कहा कि जो मूवमेंट वो बीज है, बीज कभी खत्म नहीं होता, उसकी जड़ें अभी हरी हैं,
जिस दिन उनमें कोई सही अर्थों में पानी डालने के लिए आएगा तो वो पेट फिर से आपके बीच में आ रहा हो जाएगा। और वो साथियों साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिन पर मैं साहब कांशीराम जी को दिल से सत सत नमन करता हूँ, क्योंकि मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साहब को कंधा देने से लेकर के अंतिम संस्कार तक का मैं चश्मदीद गवाह रहा हूँ। मैंने साहब को अंतिम विदाई दी है, बंते करुणाशील राहुल जी ने अंतिम विदाई दी है, हमारे साथ सात आठ जो भिक्खु थे धम्म में के उन्होंने साहब को अंतिम विदाई दी। तो मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह रहा हूँ और मैं साहब को सत सत नमन करता हूँ। और मैं निवेदन भी करता हूँ कि मुझे मैं मोमेंट में जैसा अब काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा और ज्यादा काम करूं और मैं मोमेंट से कभी भटकू नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ साहब काशीराम जी की ऊर्जा है, बंते करुणाशील राहुल जी का नेतृत्व जिससे हम भटक नहीं पा रहे। आपने मेरी बातों को सुना है, आपका मैं साधुवाद करता हूं, आपने मुझे समय दिया। हालांकि टॉपिक आज बंते जी का था, बंते जी ज्यादा व्यस्त थे और बंते जी ने मुझे आज के विषय पर बोलने का मौका दिया, तो मैं बंते जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी टीम के साथियों का, धम्मभूमि से जितने भी साथी जुड़े उन सबका धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय।